बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो है शिवानी पूजा करती है। पूजा करत हम लोग करत पूजा। अच्छा, सब लोग पूजा करते हैं इसलिए। हाँ, लेकिन गांव में कुछ लोग नाखुश दिख रहे थे, बातचीत कर रहे थे तो। अरे ये तो दुनिया है, कोई कछु कात कोई कछु कात। तो उससे शिवानी की कुछ मुआ चावर भाई, तो मेरे भाई ने जा कह दी का हो गया शिवानी दीदी, तो मेरे भाई को मारा उनने थापड़। बस मेरे जब भाई को मारे थापड़, मेरे भाई कानपुर से आए थे, जब मेरे भाई को मारा तो मेरे भाई ने मार दिया। फिर इसके बाद मैं रिपोर्टा रिपोर्टी करे आई, बस इतनी बात। अच्छा, पुलिस भी आई थी आपके घर? पुलिस आई थी, मेरा रुपया हो गया 20-25 हजार खर्चा, बस और क्या। हाँ, या बता, प्रधानमंत्री है वो कहू को मन को रहो, कहू को मन को नहीं है पाप। तो कुछ लोग कह रहे थे कि जो है शिवानी हमारे बेटे को जो है थप्पड़ मार दी थी, FIR करवा दी थी, पैसे का उनको, सब गलत है, घमंड है। अरे सब भैया गलत बात है, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं ना। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं? अरे कान लगत गांव गली में सबको ही कान लगत, कोई कछु का जो जो मन में आई तो कह ही दे। अब बेका जाने जा चीज को तो कैसे बोलो जा। शिवानी उनकी मम्मी जो है चाकू को मारने लगी थी, डंडा मिल जाए, चाकू मिल जाए, इटिया मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, मार देती शिवानी को, मार देती। हाँ, ये नहीं डर नहीं लगता तो बेटी कहीं लग जाए? अब गांव वाले कह देते कि भाई भाई तुम्हारी बेटिया का नाम बहुत खराब करत है, तो फिर उन्हें जो वीडियो बना दी इसीलिए। जब टिकटॉक में काम होने लगा तो उन लोगों ने कुछ विरोध किया, तो इसलिए उनकी मम्मी नाराज हो जाती। ये बात थी, एक दलित परिवार की बेटी का आगे बढ़ना ही बड़ी बात है। और का बड़ी बात है, कई लोगों को ये बात हजम नहीं होती, उनको नहीं, अच्छा नहीं लगता कि बताओ नहीं, एक दलित की बेटी आगे नहीं, बढ़ गई नहीं है। कि अरियारी को नाम और पूरी उत्तर प्रदेश को नाम, और बताओ ये उस कितनी बड़ी धन्यवाद भैया। अब सभी लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना करें मेरी बेटी को जिताए के ले आओ। कि एक जो है कहा जाता है, पहले ही कहा जाता था ना तो दलित परिवार के लोग पढ़ पाते थे, ना तो उनके पास कोई पैसा था किसी तरह। बात थी ये वास्तविक असली बात थी, बहुत गरीब परिवार था, बिल्कुल गरीब। खाने को नहीं हो तो जानो खाने नहीं हो तो बताओ, जिसके पास खाने का नहीं है वो अगर इस ऊंचाई पे पहुंच रहा है, और जिसको ऐसे समाज से आती है, दलित समाज से आती है, जिसको ये कहा जाता है हमेशा से दबाया जाता रहा है, जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, उनको जो है लगातार दबाने की कोशिश करते हैं, उस स्थिति और परिस्थिति से वो बिटिया आज जो है बिग बॉस में नाम कर रही है, नाम कर रही है। एक ध्रुव तारा की तरह, जैसे ध्रुव तारा को जो है दबाया जाता था, उसको जो है उसकी कहानी आप पढ़ेंगे। हमायूं के नाम, पूरी अरियारी के नाम और पूरे प्रदेश का नाम, पूरा देश का नाम रोशन कर रहे। कई फोटो जिसका जो है, अच्छा उसका बाबा साहब से एक अलग ही प्रेम है, उसका फोटो तो बाबा साहब तो बहुत प्रेम है। हाँ, बाबा साहब से उनका बहुत प्रेम है। उसने फोटो तो डाला है तो वायरल हो रहा था, लोग जो है वो कहाँ का था, जैसे वो फोटो कहाँ ली थी? किलवापुर। अच्छा, वहीं का वो फोटो था, वायरल होता है, जैसे जयंती वगैरह पे जाती है कि नहीं? बगल में काम है, गांव है उसमें, वहाँ पर सब लोगन घर है, फोटो रखी है, उनकी पूजा करा थे। अच्छा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो है शिवानी पूजा करती है? पूजा करत हम लोग करत पूजा। अच्छा, सब लोग पूजा करते हैं, इसलिए पूजा करते हैं क्योंकि संविधान ने हक और अधिकार दिया है, क्योंकि अगर वो आज ना होते तो शायद जो है बिटिया इतनी आगे नहीं जा पाती, उसे दबा दिया जाता। दबा दिया। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो आज एक प्रतिभा और मर जाती। हमारे घर फोटो रखी है, जब ये रिटायरमेंट भए थे उनको दिया गया था। हाँ, तो कहना अब बात रखी है तो हर साल में उनकी पूजन करा, हर साल पूजा की जाती है। अच्छा, भगवान की भी पूजा करते हैं आप लोग? सिर्फ बाबा साहब की? बाबा साहब की करत पूजा, भगवान की करत, बाबू साहब की करत। अच्छा, दोनों लोग भगवानों को मानत और बाबू साहब को मानत, दोनों लोग को मानते हैं। जैसा शिवानी करती है, देखिए एक तरफ जो है मंदिर बनने के लिए शिवानी ने सहयोग किया, मंदिर में सहयोग किया और बाबा साहब का भी चरण बनना, लेकिन एक तरफ देखा जाता है समाज में जो लोग बाबा साहब को मानते हैं वो भगवान को नहीं मानते, जो भगवान को मानते हैं वो बाबा साहब को नहीं मानते, ये विरोधाभास देखा गया समाज में। हम बाबू साहब को मानत और भगवान को मानत, हम दो जनों को मानत। हाँ, दो जनों को मानत। आप लोग जो है दोनों लोग को मानते हैं? मानते, कोई ऐतराज नहीं को मानती है और बाबा जी को मानते हैं बस। लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए क्या, जो लोग दिमाग में कंफ्यूजन रखते हैं, विरोध होता है इस बात का, हम लोग विरोध नहीं करते, विरोध नहीं है किसी बात का।
अब बिटिया आगे बढ़ गई, अच्छा लग रहा है। अच्छा। शिवानी खुशी में नाच रही है। अबे नहीं, जब मेरी शिवानी है तब नाच जाए। आज आप नाच दो जीत पक्का आ जाए। यहाँ से सब दुआ, कितनी बार इलिमिनेट हुई है, दर्शक प्यार किए हैं, वोटिंग किए हैं, बताइए बचा रहे हैं कि नहीं, लोग प्यार कर रहे हैं, तो इसी खुशी में तो आएगी, तो जीत के तो आएगी, और कौन जीत के आएगा। हाँ, जीत तो क्या समानी आई है, तब नचिए। हाँ, हाँ? मम्मी नाराज हो जाती थी, लेकिन कब मान गई मम्मी की। हाँ। मम्मी का मानी, फिर बहन तक गई बेचारी मोबाइल ले आई, बहन तक गई मैं मोबाइल ले। हाँ। तो भाई मोबाइल तो चुपा चुपा बना लगी। अच्छा, बहनों से गई अपने दीदी से। हाँ, फिर भाई मैं आलू खोद आती रही, मजूरी कर लेती रही, फिर ताके बाद वे बेचारी कई चप्पलें नहीं है हमारे पास, ले चप्पलें जा रही बाजार, पूरे घर के लाएगा, तब बोल रही के हाय फ्रेंडा चप्पल ले आई। बस यही जो है, एक इतिहास रच दिया कहेंगे। हाय फ्रेंडा, तो आप भी बोलते हैं हाय फ्रेंडा? हाय फ्रेंडा, हाय फ्रेंडा इस कहे तो इस गांव का ही नहीं, इस प्रदेश में शिवानी का नाम हो रहा है। आज जो है बिग बॉस में है, लगातार लोग जो है उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से शादी हो, चाहे विवाह हो, चाहे मंदिर का बनवाना हो, कुछ भी सहयोग करते हैं, उन्हें बुलाया तो भी सहयोग करते हैं, सभी का सहयोग करते, सबके, चाहे कोई बुलाए दे, हाँ सहयोग करते। शिवानी जो है वास्तविक बात नहीं मालूम था कि हम इतने ऐसे हो जाएंगे। हाँ, वास्तविक नहीं था, ऊपर वाले की महिमा है, एक मेहनत और लगन, मेहनत लगन बस ये है। ये कॉलेज के आप चलो अंदर, शिवानी के नाम से कराए। क्या क्या कराए हैं, जैसे फील्ड में दिखाए थे आपको। अच्छा अच्छा, शिवानी के नाम से। हाँ। क्या बनवाए हैं, मंदिर अंदर बनवाओ शिवानी के नाम से, वो शिवानी के नाम से मंदिर बनवाए, शिवानी सहयोग किया। हाँ हाँ, शिवानी ने जो है मंदिर बनवाया है गांव में। हाँ, शिवानी सहयोग किया, यहाँ पर आए के बैठे और सब लोग को व्यवस्था की। हाँ, पूजा उजा करी शिवरात्रि को शिवानी ने। तो काटक तो नहीं, यहीं पर शिवानी के मामा जी की अग्नि थी, उस वक्त यहाँ प्रोग्राम था। ये देख सकते हैं जो मंदिर बना हुआ है, शिवानी ने बनवाया है। शिवानी बनवाया नहीं, मदद की है, मदद की है शिवानी ने, मदद की है। तो आप लोग जो है ब्राह्मण है चाचा? हाँ भाई, एससी हैं। तो एससी तो लोग तो मंदिर उन्दिर नहीं बनवाते चाचा? मंदिर तो स्कूल की तरफ से बना है। अच्छा। हाँ, सहयोग कमेटी को स्कूल के अध्यापक प्रधानाचार्य ने बनवाया है। अच्छा, बेटी ने सहयोग किया गांव के मंदिर में। मंदिर में। अच्छा, कुछ लोग की बिटिया जो है शादी करवा रही है, तो गांव में हम पता कर रहे थे, लोग बता रहे थे। कुछ लोग के यहाँ गए थे, कह रहे थे मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, उसमें जो है उन्होंने मदद करी थी, बेटे 2.5-3 लाख रुपए उसमें मदद किया था, बेटी की शादी है तो उसमें भी मदद करेंगे। हाँ, मदद करा था। किसका किसका जैसे मदद करती हैं? ये सभी की, जितने सभी को मदद कर देती, जो बुलाए थे तो उन्हें 6-7 दिन की मदद कर देती हैं। अब भाई जो बुलाए दिए सहकार करती हैं, उनके घर जाती। हाँ, जो जरूरत बना सो पाई दे आती, मतलब जो जरूरतमंद है शिवानी उसकी मदद करती है। जो अगर सम्मान करें तो सम्मान मिलत है, वे सम्मान करें तो सम्मान से जाती हैं। जो मतलब सम्मान करेगा, जो मतलब उन्हें कहेगा तो उसके लिए वो खड़ी रहती है। हाँ, खड़ी रहती है। तुम्हारे चाहे कोई तुम कहो या ना तो खड़ी रहती है। अच्छा। हाँ, तो खड़ी रहती है। अच्छा, कहो या ना कहो, शिवानी इतनी दिल की अच्छी है जो है कि कभी भी किसी को मदद की जरूरत होती है। हाँ जी, बात सही है, दिल की साफ है बिटिया, और बहुत बढ़िया है, धन्यवाद है हमारा उसके साथ में। अच्छा, आप भी कभी शिवानी को मारी डांटी हैं बचपन में जब बड़ी हो रही थी? हमने खाई भांजी लगते, हमने नहीं डांटो कभी। अच्छा। हाँ, भांजी को जो है कहते हैं कि ब्रह्म हत्या के बराबर होता भांजी को मारना। हाँ। और डांटना, इसीलिए नहीं मारते उठते, तो बिगड़ जाते हैं नन्हे उम्र में जाके। नहीं, उनके मामा ने कभी नहीं डांटो, कभी भी नहीं कही उनसे। मामा ही ने तो हमारे साथी ने पूरा सहयोग दिया। अच्छा, शिवानी को? शिवानी को मामा को नहीं, पूरा सहयोग दिया। पूरा सहयोग, पूरा सहयोग, ऐसी बात नहीं है, पूरा सहयोग, हर चीज की सहयोग, जितना सहयोग हो सकता था मामा ने किया। बहुत किया। तो आप लोग डांटते नहीं थे, तो जो मम्मी थी वही डांटती थी, भांजी थी। हाँ। मम्मी इतनी डांट रही तो हम लोगों को कहा है। हाँ, तो कभी चलते चलते क्या कहेंगी? हाँ, चलते चलते दस कोस क्या कहेंगी? कौन सा सबसे कहें भैया, हाथ जोड़ के प्रार्थना है और भैया क्या कहें। क्या बात है, देख सकते हैं अभी जो है
हम शिवानी के गांव में मौजूद हैं। शिवानी ने सिर्फ बहन और बेटियों की शादी की ही जिम्मेदारी नहीं ली है, सिर्फ जो है जो किसी की बीमारी में कोई ज़रूरतमंद हो उसी की जिम्मेदारी नहीं ली है, गरीबों की मदद के साथ साथ शिवानी जो है एक मंदिर में भी सहयोग की है। ये कहा जा रहा है, चाचा बता रहे थे कि शिवानी जो है बाबा साहब को भी मानती है और दूसरी तरफ भगवान को भी मानती है, जैसा कि उनकी मामी बता रही थी भगवान का भी पूजा करती हैं और जो है बाबा साहब को मानती हैं। तो फिलहाल आप क्या सोचते हैं हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, औरैया।